हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम DIY करने वाले हैं वॉल व्लॉग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ओल्ड नॉनस्टिक पैन लिया है। ये मेरा नॉनस्टिक पैन ख़राब हो चुका है, इसमें से नॉनस्टिक निकल रहा है जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसान करता है, तो इसी वजह से मैं इसका आज DIY करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर ये ओल्ड क्लॉक ली है जो टूट गई थी, लेकिन इसका मशीन अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, तो मैं इसका यूज़ कर दूँगी। अब इस नॉनस्टिक पैन में आपको ड्रिल की मदद से होल कर लेना है मशीन को फिट करने के लिए, और अब हम इसे ब्लैक स्प्रे पेंट से पेंट कर देंगे। आपको एक जूट का कपड़ा लेना है और इसमें से ऐसे चार पीस कट कर देने हैं, और फिर इसको, इसके एजिस को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आप ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं और या फिर सिलाई कर दीजिए, और फिर इसको इस तरह से बेंड करके हम यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। इसकी हमें बोरी बनानी है छोटी वाली। ये देखिए, मैंने सिलाई कर दी। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे और फिर इसको सीधा फोल्ड कर देंगे। ये बन गई हमारी छोटी सी क्यूट लिटिल सी बोरी। अब हम इसके में स्टफिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर कॉटन लिया है, आप चाहे तो कुछ भी स्टफ कर सकते हैं इसमें। और इसके ऊपर इस तरह से हमें जूट का छोटा कपड़ा रख देना है ताकि अंदर जो आपने स्टफिंग की हुई है वो दिखाई ना दे। फिर हम ग्लू गन से इसके ऊपर हम दालें या मसाले चिपका देंगे। मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, आप चाहे तो आपकी पसंदीदा कोई भी दाल या मसाला ले सकते हैं। इस तरह से आपको चिपका देना है। और दूसरे में मैंने लाल मिर्च ली है, और तीसरे में मैंने मूंग की दाल ली, और फिर एक में साबूदाना लिया। फिर इन चारों को हम इस पैन के ऊपर चिपका देंगे। और अब इसमें हम क्लॉक का मशीन फिट कर देंगे। और इसके हैंडल पे मैंने जूट रोप से थोड़ी डिजाइन कर दी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताना अगर आप भी ऐसी क्लॉक बनाने वाले हैं, और मुझे इंस्टाग्राम में उसमें टैग करना मत भूलना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टिल देन आओ जो